तो गाइस अभी टाइम हो रहा है सुबह के अराउंड 11 और मैं अभी जस्ट नहा धो के फ्रेश होकर आया हूँ। और अभी फिलहाल एक जगह जाने का प्लान हो रहा है, मतलब ऐसे प्लान नहीं हो रहा है घूमने जाने का, मतलब सिम का जो मेरा सिम है मतलब मेरे आईफोन में शो नहीं कर रहा है। जैसे मैंने आपको 2-3 दिन पहले वाले ब्लॉग्स में बताया था कि मेरे आईफोन में मतलब एयरटेल का सिम मतलब शो नहीं कर रहा है करके, तो मैं सोच रहा हूँ वही सिम को मतलब वो नंबर बहुत लोगों के पास है तो वही सिम को मतलब पोर्ट करा लूँ करके, तो उसी के सिलसिले में मतलब एक जगह जाने वाला हूँ। और मतलब एक भाई को कॉल भी किया था मैं कि पोर्ट कराना करके, मतलब वो भाई ना पोर्ट करता है आइडिया का सिम और मतलब और भी कुछ काम करता है मोबाइल दुकान का, तो मैं उसी को कॉल किया था कि मतलब सिम में पोर्ट कराना है ऐसा करके, तो वो बोला हो जाएगा करके। और मतलब वो मतलब मैं पूछा तो कि खर्चा वर्चा कितना आएगा करके, तो वो बोला कि मैं फ्री में कर दूंगा और उसके साथ में 2 महीने का रिचार्ज भी मिलेगा। सो सोने पे सुहागा, अच्छी बात है। मतलब हमको एयरटेल का सिम देना है, वो पोर्ट करके हमको आइडिया का देगा, मतलब नंबर वही रहेगा, सिम का कंपनी चेंज हो जाएगा, नेटवर्क चेंज हो जाएगा और मतलब साथ में 2 महीने का रिचार्ज भी मिलेगा और वो भी फ्री में। तो मैं सोचा क्यों ना करा ही लेते हैं करके, तो इसीलिए हम पोर्ट कराने वाले हैं। वैसे मतलब मैं कॉल लगाता हूँ उसको, आएगा घर तो ठीक है, अगर नहीं आएगा तो हमको जाना पड़ेगा। सो देखते हैं जो भी पॉसिबल होता है, फिर आगे चल के ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस टाइम हो रहा है अराउंड अभी शाम के 4 और अभी थोड़ी देर पहले ही मैं कॉल किया था कि मतलब सिम पोर्ट कराना है जिसको, मतलब वो घर ही आने वाला था तो कॉल किया था, तो वो आ चुका है और आके पोर्ट भी कर दिया। देख सकते हो ये है वो सिम, मतलब VI का वोडाफोन और आइडिया जैसे कि आपको पता है मर्ज हुआ है, सो वही वाला सिम मैं मतलब अपना एयरटेल को करवाया और इसमें अच्छा खासा ऑफर मिला मेरे को। मतलब मैं रिचार्ज 1 रुपये भी नहीं कराना, मेरे को सिर्फ पोर्ट कराना है और ना तो पोर्ट का खर्चा देना है ना कुछ, और मेरे को 2 महीने का रिचार्ज फ्री मिलेगा। सो अच्छी बात है, सो इसलिए मैं पोर्ट करा लिया VI में। तो अभी फिलहाल देखते हैं क्या करना होता है, फिर ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस टाइम हो रहा है शाम के अराउंड 6:30 और मैं थोड़ी देर पहले मतलब मैं मार्केट साइड गया था, बस स्टैंड साइड, मतलब दोपहर के टाइम मैं सो गया था, तो सो के उठा वही 5 बजे के अराउंड और उसके बाद मेरे को थोड़ा भूख लगा था, मैं सोचा क्यों ना जाया जाया करके, और नाश्ता वास्ता लेके आया था, खा पी के मतलब खा लिया हूँ और अभी फिलहाल कुछ करना होगा नहीं। तो ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।